Hello guys, welcome you all. We were discussing the fundamental unit of life, class 9, chapter number 1, biology का read कर रहे थे. अभी तक हमने cell theory के बारे में देख लिया है, discovery, list of discoveries, microscopes के बारे में भी बहुत पढ़ा है हमने, shape, size और कई तरह के basis में हमने cell को division भी देखा है. हमने prokaryotic, eukaryotic cells के बारे में पढ़ा, हमने structure organization हम पढ़ चुके हैं सेल का, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सॉल्यूशंस के बारे में हमने अभी तक देखा है. हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गनली के बारे में. व्हाट इज सेल ऑर्गनली? जितने भी कॉम्पोनेंट हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गनली कहते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER से भी लिखते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, देखो यहाँ पर फिगर में. ठीक है, गॉल्जी बॉडी, वेयर इज गॉल्जी बॉडी? ये है गॉल्जी बॉडीज, ये होती हैं. अभी हम इसके बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे. लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स किधर है? ओके, तो इसमें लाइसोसोम्स नहीं बने हैं, लेकिन इसमें भी लाइसोसोम्स होते हैं. और ये लाइसोसोम्स जो होते हैं इन हमारे ER में ही प्रेजेंट होते हैं या गॉल्जी बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है. अफसोस यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. प्लास्टिड्स, हमारे प्लांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले को हम प्लास्टिड कहते हैं. प्लास्टिड का एक एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट होता है जो यहाँ पर प्रेजेंट है. फाइन, वैक्यूल, इतना पिंक कलर का जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, दिस इज नोन एज वैक्यूल. आ गई बात समझ में? चलो तब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं. स्टार्टिंग विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ द नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रॉड वेसिकल्स, राउंड ऑब्लिक सैक्स, ऑब्लिक सैक्स. ठीक है, अब ये कुछ ना इस टाइप में होता है कि ऐसे 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 एंड दिस इज कुछ इस टाइप में प्रेजेंट होता है. ये लंबे लंबे राउंड हैं, वेसिकल्स टाइप के हैं, ऑब्लॉन्ग हैं, स्टैक्स स्टैक टाइप का भी, एक के ऊपर देखो एक के ऊपर एक दिखा इस टाइप में. अब ये आके ना दो टाइप होते हैं, RER और SER. RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. RER में राइबोसोम्स होते हैं. अगर मैं इसमें डॉट डॉट बना दूं तो ये राइबोसोम्स का इंडिकेशन होता है. फाइन, अगर मैं इसमें SER में कुछ ना बनाऊं तो वो राइबोसोम्स नहीं है, मतलब वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. इतना आपको डायग्राम में कई बार स्कूल में पूछा जाता है कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला है कि रफ वाला है. ठीक है, तो ये आपको बहुत पता होना चाहिए. और RER जो होता है ना मेरा, ये प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है, और जो SER होता है मेरा वो फैट्स को और लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है. सो दिस ऑल्सो बी नोन टू यू. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ER के बारे में. ठीक है, फंक्शन ऑफ ER क्या है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहाँ से. इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ऑल्सो विद इन द पार्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स. ठीक है, ये हेल्प करता है मेम्ब्रेन बायोजीनेस में. मेम्ब्रेन बायोजीनेस बेसिकली क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई तो उसे हम मेम्ब्रेन की बायोजीनेस बोलते हैं. अब वो किससे किससे बनती है? प्रोटीन से, लिपिड से बनती है, जो कि हमारे RER और SER बनाते हैं. बहुत सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं हमारे हार्मोन्स और एंजाइम के सिंथेसिस में भी हेल्प आते हैं. अभी तुमने पढ़ा नहीं है एंजाइम्स बेसिकली हमारे कहाँ कहाँ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आगे आगे हम देखेंगे कि एंजाइम्स हमारे हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और उस जहाँ जहाँ वो प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे RER और SER की हेल्प की वजह से होते हैं. सो RER इन द लिवर सेल, RER जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए
कि डीऑक्सीफिकेशन, डीऑक्सीफिकेशन क्या होता है, ऑफ पॉइजन ऑफ ड्रग्स, पॉइजन के इफेक्ट को कम करना इज नोन एज डीऑक्सीफिकेशन ऑफ पॉइजन। और हमारे लिवर्स में जब हम स्मोकिंग बहुत सारे लोग करते हैं, उनके जो लिवर में जो इफेक्ट पड़ता है वो उस इफेक्ट को कम करने का काम SER करता है। लेकिन जब वो फेल हो जाता है तो वो कैंसर के बहुत बड़े बड़े टाइप को गेन कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज़ इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्मोक। फाइन, सो अपने घर में भी अगर कोई स्मोक करे तो उसको मना करो कि स्मोक नहीं करना है, क्योंकि हमारे बॉडी को वो हार्म करता है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड द न्यू, दैट इज गॉल्जी अपैरेटस। हमारे बुक में गॉल्जी अपैरेटस लिखा है, हम इसको गॉल्जी बॉडी भी कहते हैं समटाइम्स। गॉल्जी बॉडी इज गॉल्जी अपैरेटस, बात एक ही है। इसको हम पैकेजिंग यूनिट कहते हैं, दिस इज पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल। यहाँ पर जितना भी काम होता है ना पैकेजिंग का, वो गॉल्जी बॉडी करता है। ये कैमिलियो गॉल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आस्क इन मैनी एग्जाम्स। अब देखो ये कहा क्या है, वेसिकल्स टैग टूगेदर। यहाँ पे ना कुछ ऐसे ऐसे वेसिकल्स टैग होते हैं, ये कुछ इस टाइप में स्टैग्ड होते हैं आपस में, और इन्हीं को हम, एक को हम क्रिस्टन कहते हैं। आई बात समझ में? चलो इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। तो अब इसी को हम कहते हैं क्रिस्टन। अब इसका फंक्शन देखो, स्टोरेज ऑफ मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। ये हमारे स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग में मटेरियल के हेल्प करता है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। हमने कॉम्प्लेक्स शुगर देखा ना कि कहाँ पर यूज़ होता है। कॉम्प्लेक्स शुगर हमारा सेल वॉल के फॉर्मेशन में यूज़ होता है, लेकिन सिंपल शुगर से बनाता कौन है बॉडी में, तो ये हमारा गॉल्जी बॉडी बनाता है। ये लाइसोसोम्स बनाता है। ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं, मैंने इसीलिए बोला था कि ER और गॉल्जी बॉडी में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो क्या है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल और सुसाइडल्स। इन हम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, एनी बडी हैविंग द आइडिया, दे कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। वेल, व्हेन द सेल डाई इन इट लाइस इन द लाइसोसोम्स इज द फर्स्ट टू रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम एंड किल इट्स ओन सेल। अपने ही सेल को खा जाता है बेचारा। क्या करता है कि अपने, अब जब उसका सेल मर गया तो वो कहेगा कि मैं क्या करूँ रह के यहाँ पे, तो वो उसको पूरा, उसको एग्जिस्टेंस हटा देता है। जैसे हम लोग भी तो जब कोई मर जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है बेसिकली, तो हम उसकी डेड बॉडी को हटा देते हैं। सिमिलरली लाइसोसोम्स भी अपने सेल के बॉडी को, अपने सेल को हटाने का काम करता है, एज अ क्लीनिंग इन्वायरमेंट की तरह वर्क करता है। इसीलिए हम इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि अपने आप को ही खा जाता है ये। और ये जो होता है, दीज इंजाइम्स आर सिंथेसाइज, ये जो इंजाइम्स सेक्रीट करता है वो RER सेक्रीट करता है। दैट्स व्हाई आई हैड सेड कि RER में भी प्रेजेंट होता है। अब आ गया समझ में, क्योंकि लेने भी तो जाएगा, बना तो वो रहा है लेकिन लेने कौन जा रहा है, ऑब्वियसली RER जा रहा है। दैट्स व्हाई आई हैड सेड दिस। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया। यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जनरेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। आया समझ में? खैर अभी बताऊंगी। इट इज़ अ डबल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन। अब देखो इसमें क्या है ना कि ऐसे कुछ एक ऐसे 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 इसकी मेम्ब्रेन होती है, और एक उसी में ऐसे होती मेम्ब्रेन। तो इसमें इसमें डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है एक, और एक इसमें स्ट्रेट लीनियम होती है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, देखो इसका फंक्शन। इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द, ये पोरस, यहाँ पे ओ आना था, दिस इज ओ, पोरस होता है, ये बहुत पोरस होती है, क्योंकि भाई इसमें ये एनर्जी बना रही है ना, पावर हाउस है ना,
अगर ये पावर हाउस है तो ऑब्वियसली एनर्जी बनाएगी, इतना एनर्जी का ट्रांसफर के लिए कुछ स्पेसेस होनी चाहिए, जैसे ये पोरस होती है ना, इट जनरेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू कैरी आउट द वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के में यूज़ होने वाली एनर्जी को ये प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये जो इतनी डीपली फोल्डेड होती है ना, ये इसलिए होती है क्योंकि एटीपी जनरेशन रिएक्शन जो होती है, एटीपी बनाने के लिए जो रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ पर बहुत बढ़ जाए, क्योंकि सर्वेस बढ़ेगा तो एटीपी जनरेशन बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इसके बाद जो खुद अपने डीएनए हैं, राइबोसोम्स हैं और प्रोटीन होता है, इसीलिए वो खुद का प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को फिर से याद दिला देते हैं, इसके नोट्स प्लीज़ लिखते रहिएगा साइड बाय साइड, इट विल हेल्प यू इन योर स्कूल एग्जामिनेशन। आज हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है, सो यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स रिटन इन दिस प्रेजेंटेशन। यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स फॉर द लिंक टू these। अब ना moving toward the plastids, what are plastids, these are present only in the plant, जिससे पर से प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, दे आर डबली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हैव द स्ट्रक्चर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर अ थ्री टाइप लाइक क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। एक डबल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन है, लेकिन ना ये इसमें भी ना ऐसी होती है कि ये कुछ इस टाइप में होता है, फाइन, ये प्लांट में होता है, लेकिन ये बस एक ही चीज़ है कि प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, ये आप एनिमल सेल में नहीं बना सकते हैं। इसमें भी थ्री टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, नाउ जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम्स, इसका मतलब ये खुद से सिंथेसाइज कर सकता है, यस इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन। ऐसे इसलिए होता है, इन पे होना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि इनको एनर्जी बनानी है, इनको बहुत सारे काम करने होते हैं बॉडी में। प्लास्टिड्स हम जानते हैं कि प्लास्टिड्स में अभी हम देख लेंगे आगे, इससे पहले हमने अभी तक पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया बेचारा ये पावर हाउस है, खुद अगर ये एनर्जी बनाना है तो इसके पास खुद का प्रोटीन और जो दूसरों से मांगेगा थोड़े ना, इसीलिए इसके पास होता है। प्लास्टिड्स में अभी हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट लिखा था वहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ द प्लास्टिड, ये ग्रीन कलर पिगमेंट इम्पार्ट करता है, अगर ये ग्रीन कलर पिगमेंट इम्पार्ट करता है तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल भी इसमें होती है, अगर क्लोरोफिल है तो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक एनर्जी रिएक्शन है, एनर्जी देने का ही काम कर रहा है, तो इसलिए इसके पास भी खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होने चाहिए ताकि ये खुद का प्रोटीन बना सके। ल्यूकोप्लास्ट ये स्टोर था यहाँ पे, नहीं ये स्टार्च है, ये वाइट कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, दिस इज कलर, ये स्टार्च है बेसिकली, यहाँ पे स्टार्च आना था, एक सेकेंड देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे आज से पहले सी लगा लेना, यस हो गया ना, अब ये वाइट कलर का प्लास्टिड होता है जो कलर को, यहाँ पे डी नहीं आएगा, यहाँ पे कलर आएगा, ये स्टोर करता है स्टार्च को और प्रोटीन को। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो ग्रीन कलर के अलावा सारे कलर को इम्पार कर देते हैं फ्लावर में और फ्रूट में, ये तो सबको पता है, ये बहुत सिंपल है, फ्रूट और फ्लावर में अट्रैक्टिव कलर की वजह से प्रेजेंट होता है, एट्रैक्टिव कलर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे हेल्प होते हैं, जैसे पॉलिनेशन का, है ना, सब जानते हैं पॉलिनेशन का, बचपन से जूनियर क्लासेस हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, समटाइम आस्क इन द एग्जामिनेशन कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कौन सी होती हैं, तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं क्योंकि डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं और ये खुद के प्रोटीन खुद ही बना सकते हैं, सेल्फ जनरेटर, सेल्फ जनरेटर होते हैं बेसिकली, दीज आर नोन एज
सेल्फ जनरेटर। अब हम वैक्यूल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैविंग द मेम्ब्रेन कॉल टोनोप्लास्ट। तो अभी तक हमने इसमें टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ट्यूबोप्लास्ट, बहुत सारे प्लास्ट, बहुत सारे लेसेस के बारे में पढ़ा है ना। तो इसको प्लीज़ बहुत केयरफुली अपने नोट्स में अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है एब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन वो अगर प्रेजेंट होता है बहुत स्मॉल साइज में प्रेजेंट होता है। बट अगर प्लांट सेल में प्रेजेंट होता ही होता है, एक ही होता है, और ये बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें, ठीक है। एनिमल सेल में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, इसमें एक ही प्रेजेंट होगा, लेकिन इतना बड़ा होगा कि 90% तक का वॉल्यूम खुद ही ऑक्यूपाई कर लेता है। तो बेचारा मेरा हमारा और क्या चीज़ अप्लाई करेगा, सिर्फ 10%। अब वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारे लाइफ में। देखो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, स्टोर द सेल स्टाफ, प्रोवाइड द रिजिडिटी। यहाँ पे फिर से रिजिडिटी आना था। ठीक है, यहाँ पे टर्जिडिटी आता है, यहाँ पे सी आएगा, स्टाफ ही, ये स्टफ होता है, स्टफ बेसिकली टू सेल। हमारे हर एक सेल को रिजिडिटी टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का काम वैक्यूल का होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, न्यूट्रिशन पर्पस हमारे अमीबा में करता ही फूड वैक्यूल का काम करता है, कभी कभी वैक्यूल स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, ठीक है, फॉर अमीबा, देयर इज नथिंग फॉर दिस। एक्सक्रीशन प्रोसेस इन द पैरामीशियम, पैरामीशियम में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन द वाटर बैलेंस इन द सेल। वाटर बैलेंसिंग में भी बहुत हेल्प करता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, हमारे सिर्फ और सिर्फ पैरामीशियम में होता है, और फूड वैक्यूल अमीबा में होता है। बाकी साइड सारे टाइप के जो वैक्यूल्स होते हैं वो हर में प्रेजेंट हो जाते हैं। ये दो नेम है वैक्यूल्स के, टाइप ऑफ नेम्स हैं अमीबा पैरामीशियम में, सो आपको ये पता होने चाहिए। अब इन द सेल हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि ऑस्मो मीन्स वाटर, ठीक है, रेगुलेशन उसका रेगुलेट करना। तो वाटर का बैलेंस बनाना हमारे सेल के अंदर, इट नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। फाइन, होपफुली क्लियर टू एवरीवन। अब हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन देख लेते हैं, थोड़ा सा है, छोटा सा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड टू फॉर्म मोर सेल्स, टू और मोर सेल्स, दो या दो से ज़्यादा सेल बनाने वाले सेल को हम कहते हैं सेल डिवीजन। कैसे, अभी बता चल जाएगा ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ सेल, इम्पॉर्टेंस क्या है डिवीजन, सेल डिवीजन की, जिसमें ग्रोथ ऑफ बॉडी होती है, रिप्लेसमेंट होता है डेड सेल का, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के टाइम पे या रिप्रोडक्शन के टाइम पे। गैमीट्स आप लोग जानते होंगे, हमारे जो स्पर्म और ओवास होते हैं उनका नाम होता है। टू टाइप के सेल डिवीजन होते हैं यहाँ पे, माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। फाइन, अब हम अगर मैं मियोसिस और माइटोसिस की बात कर लूँ थोड़ी सी, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन, एक जैसा डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस को कहते हैं, माइटोसिस सिंगल फेज होता है, मियोसिस डबल फेज होता है, वन फेज एंड सेकेंड फेज, ठीक है। क्रोमोसोम्स में इसमें मियोसिस में सेम रहते, कांस्टेंट रहता है, दे नेवर चेंज। अगर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर्स में होते हैं, राइट, तो इसमें 23 रहेंगे। अगर इसमें 23 नहीं होते हैं, अगर इसके 23 पेयर्स में सिर्फ 23 ही रहेंगे, ये नंबर्स करेगा या पेयर्स करेगा। फाइन, इसमें क्या होता है कि इट टेक द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल, सेल के ग्रोथ रिपेयरिंग में हेल्प करता है माइटोसिस, मियोसिस हेल्प करता है गैमिट्स फॉर्मेशन में, मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे। अब जो हमारा आफ्टर द सेल डिवीजन हमारे पास दो डॉटर सेल्स बनती हैं, और मियोसिस में चार डॉटर सेल्स बनती हैं। अब देख लो इसके थ्रू, ये हमारी मदर सेल थी, इसमें एक क्रोमोसोम, इसमें सेम नंबर है ना, दोनों में सेम नंबर है कि नहीं है,
है इसमें, देखो सब में हाफ हो गया है, इसमें तो दोनों में सेम है, लेकिन होना तो इसमें, इसमें सेम नहीं, तो इसमें हाफ हो गया, इसका भी हाफ हो गया, यस, तो इसका हाफ नहीं करना था, ठीक है। और ये फेज नंबर वन और ये फेज नंबर टू, सो होपफुली सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इसका, इसमें उसमें हम बहुत सारे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमको माइटोसिस मियोसिस समझ में आ गया होगा, मियोसिस और माइटोसिस सबको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे की क्लासेस में मियोसिस और माइटोसिस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक पता होगा तो अच्छा रहेगा। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से पढ़ेंगे, कल से अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी होती है ड्यूरिंग द सेशन, आप जब भी देखो, एनी टाइम यू आर फ्री टू आस्क, आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन व्हेन एवर यू आर सीन, आफ्टर वन मंथ आफ्टर या टू मंथ आफ्टर या मेनी टाइम, बहुत टाइम के बाद भी आप देखोगे तो भी मुझसे आप क्वेरी करोगे तो मैं आंसर दूंगी। सो डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेरी वेदर आई विल सी और नॉट, I will definitely, definitely see that particularly that you had message and I will reply on you. ठीक है, in the case of any type of query. But hopefully, all the things that are taught in the lecture will be clear to you. If you enjoy the video, hit that like button and share to your friends. Subscribe the channel for the latest update. Thank you for your precious time.